उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पिताजी प्रभु दयाल जी जिनका परिनिर्वाण हुआ है और आज उनका अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। 19 नवंबर को उनका परिनिर्वाण हुआ था। आइए वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पिताजी का परिनिर्वाण हुआ है और तमाम लोग हैं, कोई इसको मायावती जी ने बिल्कुल पोलिटिसाइज नहीं किया है। वो आई थी और वो श्रद्धांजलि देखे गई हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए जिस तरह से बुद्ध रीति रिवाज से तो बुद्ध रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आज परिनिर्वाण हुआ था उनका 19 नवंबर को और बीएसपी सुप्रीमो खुद आई भी थी यहाँ, लेकिन लोगों की उम्मीदें थी कि शायद उनके पार्थिव शरीर पार्टी दफ्तर या उनके सरकारी आवास पर रखा जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी किसी तरह का कोई ये नहीं हुआ। वो खुद आई थी और उन्होंने उनको अंतिम विदाई दी और अब उनके शव को जो जिस तरह से जो बुद्ध रीति रिवाज है उसके हिसाब से लोग अंतिम संस्कार करते हैं ले जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ सीधे इन्हीं गलियों में कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बचपन बीता था। उनके पिताजी पोस्ट ऑफिस के पीछे रहते थे और वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे। वो तस्वीरें सब कुछ सामने हैं और इन्हीं इलाकों से ये पूरा सेंट्रल दिल्ली के आसपास का है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कुछ बहुत ज्यादा कहने के लिए नहीं है कुछ भी। और बुद्ध रीति रिवाज से उनके अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं और तमाम सुप्रीमो मायावती देखिए हम लोग संस्थान देखिए पंसील में उनको पंसील का जो झंडा है उसमें उनको लपेटा गया है। आज के समय में एक साधारण से भी नेता के घर वालों का कोई परिनिर्वाण हो या निधन हो तो उसको पूरी मार्केटिंग की जाती है, सोचिए वाजपेयी जी की मार्केटिंग हो, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसको बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं किया है, उनको बिल्कुल से दूर रखा। और बहुत ही कोई बहुत पॉलिटिसाइज नहीं किया गया साधारण तरीके से। उनके पिताजी का आई थी धीरे दिखा रहा हूँ आपको सीधे तरह से आनंद जो है वो सबसे आगे आगे हैं। कंधे बदलते रहो। ये पार्थिव शरीर है, परिनिर्वाण हुआ है 19 नवंबर को। ये प्रभु दयाल जी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पिताजी थे और आनंद जो है। और कल बीएसपी सुप्रीमो खुद आई थी और उन्होंने अंतिम दर्शन किए अपने पिता को। सोचिए एक शख्स किस तरह से वो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा पोछा पढ़ाया लिखाया। और ऐसे दौर में जब भागीदारी समाज की भागीदारी बहुत कम थी, महिलाओं की भागीदारी की बात नहीं कर सके, उन्होंने मायावती को राजनीति में आने का मौका दिया और नतीजा आप सबके सामने है। इस देश को एक मजबूत नेता मिली। Allahumma
सोचिए कि चार बार यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं, उसके बाद भी कितनी सादगी दिखाई गई है, कोई लाल लश्कर नहीं है। ऐसे दौर में जब लोग राजनीति करते हैं तब वो कहने तो ये देखिए, ये एकदम लोग जो हैं साधारण तरीके से लोग जो हैं वो काफिले के पास आ रहे हैं और कोई ज्यादा कुछ भी नहीं किया गया है, कोई पुलिस साइज नहीं किया गया है और लोग अपने मर्जी से यहाँ सब आए हैं और बुद्ध रीति रिवाज से अंत्येष्टि की जा रही है। और लोग जो हैं बीएसपी सुप्रीमो कल खुद आई थी, उन्होंने अंतिम दर्शन किए हैं और उनके पिताजी का 19 नवंबर को परिनिर्वाण हुआ था। 95 साल की उम्र थी, सरकारी कर्मचारी थे, फिर उन्होंने पढ़ाया लिखाया। एक बड़ा, आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसे दौर में जब लोग राजनीति में आना नहीं चाहते होंगे, उस समय उन्होंने अपनी बच्ची बेटी को जो कि सफल थी, टीचर थी, उनको पॉलिटिक्स में जाने दिया और नतीजा कि बहुजन समाज को एक मजबूत नेता मिला। तो ये तस्वीरें सारी दिखा रहा हूँ आपको और बहुत कम लोग हैं, किसी को इन्वाइट नहीं किया गया है, किसी को बताया नहीं गया है, मीडिया से चीज़ों को दूर रखा गया है। वो खुद आई थी और उन्होंने उनको अंतिम विदाई दी और कल उनका 19 नवंबर को उनका परिनिर्वाण हुआ था, 20 नवंबर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।